नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी, मध्य प्रदेश में चुप्पी। ट्रेनों में जुड़ेंगे अत्याधुनिक किस्म के 40,000 यात्री डिब्बे, 8,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। अब कर्नाटक और पंजाब में होगा किसान आंदोलन, 16 जून को देश भर में हाईवे बंद। IMF ने कहा कोल संयंत्रों के प्रदूषण से भारत में हर साल होती है 70,000 लोगों की असमय मौत। श्रीनगर में CRPF कैंप पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 4 घायल। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश की बड़ी गौशालाओं में लगेंगे बायोगैस के संयंत्र। राहुल गांधी का आरोप, नरेंद्र मोदी ने दी देश को सबसे ज्यादा बेरोजगारी। NIA के छापे, धमकाने की कोशिश, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमित शाह ने आम सहमति का उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई समिति, राजनाथ, वेंकैया और जेटली समिति में शामिल। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु कवि और लेखक सी नारायण रेड्डी का निधन। राजस्थान के झुंझुनू जिले में भ्रूण लिंग जांच के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से करते थे सोनोग्राफी, 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के बकेवर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। और पनामा पेपर लीक मामले में जांच समिति के समक्ष पेश होंगे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अन्य खबरों और जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए वेब दुनिया के साथ। लॉगिन कीजिए www.webdunia.com।